नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। ग्राउंड से रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत। आईपीएल 2023 शुरू होने में अब बस चंद घंटे रह गए। सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। आपकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला मुकाबला 1 अप्रैल को इसी काना मैदान पर है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहां पहुंच भी चुकी है। तो आपकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। जो भी कमियां रह गई थी उसे दुरुस्त किया जा रहा है। सभी कोच खिलाड़ियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, टीम के मेंटोर खड़े होकर खिलाड़ियों पर बारीकी नज़र रखे हुए हैं। टीम के कप्तान केएल राहुल यहां पर नहीं है, क्योंकि केएल राहुल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कप्तानों की, आईपीएल शुरू होने के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे कप्तान मिलते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए केएल राहुल गए हुए हैं, तो वो मौजूद यहां पर नहीं है। यहां पर मैंने खास बात ये देखी कि गेंदबाजों पर खास नज़र रखी गई, उन्हें परखा जा रहा है। खासकर अवेश खान को मैंने देखा, उन्होंने लंबे स्पेल तक गेंदबाजी की है और वो इस बार टीम के जो गेंदबाजी आक्रमण की बागडोर संभाले। इंदौर के खिलाड़ी हैं और काफ़ी मुश्किल से उनका भी बचपन गुजरा है और यहाँ पर आकर उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा भी काफ़ी बॉलिंग करते हुए नजर आए और सबसे बड़ी बात, जो टीम में नए शामिल हुए हैं जयदेव उनादकट, उनके आने से टीम की जो बॉलिंग है काफ़ी मजबूत हुई है। आपको याद होगा पिछले कुछ समय उन्होंने दावा किया था कि उन्हें एक मौका मिले तो वो खुद को साबित कर दिखलाएंगे। वो मौका उन्हें मिला राष्ट्रीय टीम में और उन्होंने खुद को साबित किया। अब उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स को चैंपियन बनाना है। स्वप्निल सिंह को भी काफ़ी देखा गया बॉलिंग करते हुए, युवा खिलाड़ी है, काफ़ी कॉन्फिडेंस उनमें देखा जा सकता है। और जहाँ तक बल्लेबाजी की बात है, सबसे पहले कुणाल पांड्या ने बल्ला थामा, उन्होंने नेट प्रैक्टिस की। इसके अलावा दीपक हुड्डा ने भी काफ़ी लंबे समय तक बल्लेबाजी की, काफ़ी फिट और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। और आयुष भदौरिया की मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि इस बार युवा खिलाड़ी आईपीएल की खोज बन सकते हैं, बड़े स्टार बन सकते हैं। तो आपकी टीम पूरी तरह तैयार है, मेरे ऊपर से गेंद जा रही है, फील्डिंग ड्रिल चल रही है, मुझे यहाँ से लगता हटना पड़ेगा क्योंकि जो फील्डिंग कोच है जॉन्टी रोड्स, वो मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ से हटिए, हम फील्डिंग ड्रिल करवा रहे हैं। तो मैं आज इतना ही, मैं यहाँ से विदा लेता हूँ और आपकी आप उम्मीद है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आकर यहाँ पर मैच देखने पहुँचेंगे इकाना और अपनी टीम को चीयर अप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।